नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डेरा सच्चा सौदा सिरसा की ओर से रविवार को रोहतक के ओल्ड आईटीआई मैदान स्थित बाबा बालकपुरी डेरे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाह सतनाम ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने 500 जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र वितरित किए। इस समारोह के दौरान हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के पुत्र हिमांशु ग्रोवर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने डेरा सच्चा सौदा की ओर से मानवता की भलाई के लिए किए जा रहे कार्यों को सराहा। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। मेरा नाम विजय इंसान है, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से मैं हूँ। तो आज आप देख रहे हो जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग है, ये मानवता भलाई की सेवा करती रहती है। तो आज इसी कड़ी में ये 500 परिवार है, क्योंकि आपको पता है ठंड आने वाली शुरू हो चुकी है, ठंड शुरू हो चुकी, तो मानवता भलाई के कार्य साथ संगत ऐसे ही मनाती है। आज 500 परिवारों को कंबल, जर्सी, जूते, स्वेटर, टोपी और जुराबे ये सब आज वितरित किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो गुरु है शाह सतनाम सिंह जी महाराज, उनकी पुण्यतिथि के रूप में ये पूरा महीना दिसंबर का महीना मनाया जाता है। तो उसी कड़ी में आज पूरे वर्ल्ड में ये काम हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में आज साध संगत मानवता भलाई का एक कार्य कर रही है। जो ठंड में ठुठ रहे हैं उनके लिए हमने ये सर्दी के वस्त्रों का प्रोग्राम शुरू किया। आज सर ये प्रोग्राम पूरे हरियाणा में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। आज के दिन पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। उसके बाद 12, 13, 14 और 15 दिसंबर को डेरा सच्चा सौदा सिरसा में एक आंखों का बहुत बड़ा विशाल कैंप लगाया जाता है गुरु जी की पुण्यतिथि की याद के रूप में। तो वहाँ पर लगभग 2-3 हज़ार के आसपास ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, तो वो वहाँ पर चलेगा। ऐसे ही पूरे महीने ये मानवता भलाई के कार्य चलते रहेंगे। ये कहाँ कहाँ चलेंगे सर? ये पूरे वर्ल्ड में चलेंगे सर। जब भी मानवता भलाई का कोई भी कार्य होता है तो साध संगत पूरे वर्ल्ड में एक साथ मनाती है। आज कंबल वितरित किए जा रहे हैं, गर्म कपड़े वितरित किए जा रहे हैं, उसके बाद खाना वितरित किया जाएगा, आँखों का विशाल कैंप है। तो ऐसे ही मानवता भलाई के कार्य साध संगत अपनी नेक कमाई में से, किसी से नहीं लिया जाता, अपनी नेक कमाई में से कुछ पैसे बचा के साध संगत ये काम करती रहती है। लोगों को अच्छी नहीं कैसे किया जाता है भाई इन लोगों का? हाँ जी, जैसे झुग्गी झोपड़ियों पर रह रहे हैं, कुछ सड़कों पर ठुठ रहे हैं, तो हम उनको चिन्हित करके 2 दिन पहले उनके नाम लिखते हैं, उनको अपनी ही गाड़ियों से व्हीकलों से लेके आते हैं, फिर उनको छोड़ के आते हैं। सर ये प्रोग्राम कब तक चलेंगे? ये प्रोग्राम पूरा दिसंबर का महीना चलेंगे। उसके बाद जनवरी का महीना है जो पूज्य गुरु जी का जन्म महीने के तौर पर मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे कोई भी कार्य है, जन्म हो गया या कोई पुण्यतिथि है, वो मानवता भलाई के कार्य करके मनाई जाती है। तो पूरा दिसंबर का महीना और पूरा जनवरी का महीना ये मानवता भलाई के कार्य चलते रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।